कोई प्रेत किसी का सगा नहीं हुंदा ते किसी का भला करन वास्ते नहीं हुंदा। प्रेत हमेशा तुहाडा बुरा ही करदे है ते एक उपाय तुहानू वड्डी तो वड्डी प्रेत बाधा तो छुटकारा दवा सकता है। रंग फकीरी दे यूट्यूब चैनल देख रहे सारयां नू प्यार भरी सत श्री अकाल। परमात्मा सब दे सिर ते मेहर भरिया हथ रखे। दोस्तों, बहुत सारे लोग भूत प्रेत की दुनिया नू सच नहीं समझते ते परेशानियां दा सामना करते रहते हैं, परेशानियां चलते रहते हैं, पर बहुत सारे लोग ये समझ गए ने कि भूत प्रेत देवी देवता पितर जिन बेताल सब कुछ हुंदा है ते जिन्ना कारण घरां दे विच परेशानियां आंदियां है ते ओ उन्हां तों छुटकारा भी पाउणा चाहुंदे है। अज मैं तुहानूं इक इहो जिहे उपाय बारे दसन जा रहा हाँ जिस नूं करके तुसीं वड्डे तों वड्डा प्रेत कोई भी प्रेत बाधा होवे उस तों छुटकारा पा सकदे हो। तुहाडे शरीर नूं ओ छड्ड के भज जाएगा ते तुसीं जवां सही हो जावोगे। पर उस तो पहला जेकर तुसी रंग फकीरी दे यूट्यूब चैनल नू सबसक्राइब नहीं किया तो इस नू सबसक्राइब कर लवो ते घंटी वाला बटन जरूर दब लेना ते इस वीडियो नू शेयर करना बिल्कुल ना भुलना। दोस्तों, माता काली दे कई रूप हुंदे है। तुसी सारे जानते हो कि माता काली तामसिक अते सात्विक दोनों रूपां दे विच पूजी जाती है, यानी माता काली नू मिठाई का भोग भी लगता है ते दारू मीट दा भोग भी उसनू चढ़ाया जाता है। वैसे हर किसी ने कदे ना कदे माँ काली मरघट वाली दा नाम जरूर सुनिया होना है। ये रूप माता काली दा सब तो शक्तिशाली रूप मन्या जाता है। अज दा जो उपाय है वह भी इसे रूप दा है। तुहाडे या तुहाडे परिवार दे विच किसी नू भी कोई भूत प्रेत दी बाधा है, यानी तुहानू या तुहाडे परिवार नू किसी नैगेटिव एनर्जी ने घेर रखा है, तुहानू तंग परेशान करती है ते तुहाडे घर दे विच परेशानियां दा पहाड़ टुट्टिया होया है, घर दे विच थपाक नहीं है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो तुसी बहुत सारे तांत्रिकां भगतां या साधकां कोल जा के उपाय करवा चुके हो पर कोई भी फायदा तुहानू नहीं होया है, तो तुसी अज दा ये उपाय जरूर करना। तुहाडे अते तुहाडे परिवार ते किड्डी भी वड्डी प्रेत बाधा होवेगी वो तुरंत दूर हो जाएगी। उपाय चंगी तरह ध्यान नाल सुन लेना, नोट कर लेना। तुहानू जो समान चाहिदा है वो जिहड़ा है वो नोट करो। वो सब तो पहला 2 नींबू तुसी लेने हैं, 2 अंडे लेने हैं कच्चे अंडे, 5 प्रकार की मिठाई लेनी है, 1 देसी दारू का पौआ लेना है, काली स्याही लेनी है, सिंदूर लाल वाला जिसनू रोली कहिंदे है वो रोली लेनी है, ते 1 छोटा जिहा कोला मिट्टी का वो तुसी ले लेना है। ये तो तुहानू जिहड़ा वो समान चाहिए जो तुसी समग्री दे विच इस्तेमाल करना है। ते ये उपाय करना कदों है? ये उपाय रात नू 9 बजे तो बाद करना है। किवें करना है वह भी चंगी तरह सुन लवो, नोट कर लवो। सब तो पहला उस बंदे नू कोल बिठा लवो जिसनू प्रेत बाधा है, फिर 2 नींबू 2 अंडे जो तुसी ले हुए हैं उन्हां उत्ते 7-7 बिंदियां काली स्याही दियां लगा दवो। कोई भी कलम लै लवो, किसी भी प्रकार का डक्का लै लवो, उहदे नाल स्याही नूं डुबो के बिंदियां वांगू टिक्के जिहड़े है वह नींबू अते जो अंडा है उहदे उत्ते तुसी लगा दो। हर उत्ते 7 बिंदियां लगाउणियां है, फिर 7-7 बिंदियां तुसी वह रोली जिहड़ी हैगी है सिंदूर यानी रोली उस दियां लगाउणियां है, फिर जो मिट्टी की कुजा तुसी वह कोला लिता होया उहदे विच सारा समान रख लेना है। सिर्फ अंडिया ते नींबूआं ते बिंदियां लानियां शाही दियां ते रोली दियां। जिहड़ी 5 प्रकार की मिठाई लिती है वह तुसी नाल उवें ही रख देनी है। जिहड़ा पौआ शराब का लिता वह भी तुसी उस कोले दे विच रख देना है, ते फिर उस सारी समगरी नूं इकट्ठा लै के तुसी जिहड़ा बंदा हैगा प्रेत बाधा तो ग्रसित हैगा, जिहड़ा जिहनूं प्रेत बाधा हैगी है जिस भूत प्रेत आउंदे है उस नूं मेन गेट खोल के उत्थे सामने बिठा लेना है। उहदे आले दुआले कोई भी बंदा होर नहीं होना चाहिए, सिर्फ एक जिहड़ा उपाय करन वाला बंदा ओह ते एक जिहनूं प्रेत बाधा हैगी है ओह, 2 बंदे होण, बाकी सारे पासे हो जाण। मेन गेट खोल के रखना है, मेन गेट दे सामने उसनूं बिठा लेना है, ते फिर 7 वार उल्टी दिशा दे विच एंटी क्लोकवाइज 7 वार उस दे उत्तों आ सारी समग्री है जिहड़ी ओह वार लैणी है, ते हर वार 1 चक्कर देण तों बाद उहदे मत्थे ते ओह समग्री कोला है जिहड़ा ओह लगाउणा है।
ਜਦੋਂ 7 ਵਾਰ ਇਹ ਸਮੱਗਰੀ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ ਲਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮਸ਼ਾਣਾ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮਸ਼ਾਣ ਜਗਦੇ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਚਿਤਾ ਜਗਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਚਿਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸਮਾਨ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪਊਏ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੋਲ ਦੇਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਬਾਕੀ ਪਊਆ ਜਿਹੜਾ ਵਾਪਸ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ। ਚੁੱਪ ਚਾਪ ਸਿੱਧਾ ਮਸਾਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਮਾਂ ਕਾਲੀ ਮਰਘਟ ਵਾਲੀ, ਜਿਸ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਇਹ ਉਤਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਬੁਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਵੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਭੋਗ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਉਤਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਰ ਦੇਵੋ, ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਵੋ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਹ ਉਤਾਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਪ੍ਰੇਤ ਬਾਧਾ ਵਾਲਾ ਜੋ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਮ੍ਹਾਂ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੇਤ ਬਾਧਾ, ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੇਤ ਬਾਧਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਚਾਪ ਘਰ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਆਪਦਾ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਕਰਕੇ ਸੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਰੰਗ ਫਕੀਰੀ ਦੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਵੋ, ਘੰਟੀ ਵਾਲਾ ਬਟਨ ਨਾਲ ਦੱਬ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਰੰਗ ਫਕੀਰੀ ਦੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ।